क्योंकि आज मुझे अपना चैनल को आगे बढ़ाने का फीडबैक मिल गया यहाँ दोस्तों, क्योंकि अभी तक क्या है, मैं आपको केवल बर्ड्स की ही वीडियो दिया करता था और बर्ड्स की वीडियो में मैं जितना आप लोगों को दे सकता था वो सारी चीज़ें आप लोगों को दे चुका हूँ। अब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके आप लोगों को बोर तो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया। क्योंकि जो चीज़ें आप लोग रेगुलर दूसरे वीडियोस में देख रहे हैं और एक हर साल दर साल वही चीज़ें रिपीट करना, वही देना, वही दवाइयाँ, वही चीज़ें, तो कितनी बार आप लोगों को वो चीज़ दी, इसलिए मैंने देखा कि मतलब नहीं है वीडियो बनाने का। क्योंकि कोई नई चीज़ आप लोगों को मिले जिससे आप लोग उसको पसंद करें, उसको व्यूज़ करें, तो मज़े भी आए ना वीडियो बनाने के। और वीडियो बनाने का मज़ा तब आता है जब आप लोगों की तरफ से वो रेस्पॉन्स मिले, नहीं तो अंत मंत बहुत सोच समझने के बाद मुझे एक रास्ता मिला है जिसके कारण आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और उम्मीद यही है कि अगर ये सक्सेस रहा तो आने वाले समय में रेगुलर वीडियो आपको दिया करूँगा और रेगुलर वीडियो आपको मिला भी करेगा। क्योंकि अब के से जो टॉपिक मुझे मिला है उस पर वीडियो बनाना, हाँ डेली वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, फिर भी जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है उस पर आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिल सकता है। क्योंकि ब्लॉग्स मैं आप लोगों को तरह तरह के जगह घुमाऊंगा, अपने बारे में बताऊंगा, अपने काम के बारे में बताऊंगा, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा ब्लॉग्स के माध्यम से। दूसरा, हाँ बहुत जल्दी मैं मोटो ब्लॉग्स भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उम्मीद है बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा। अगर मोटो ब्लॉग्स स्टार्ट करता हूँ तो आपको काफ़ी वैरायटी देखने को मिलेगी, क्योंकि जयपुर में बहुत सारे जगह हैं घूमने के। क्योंकि जयपुर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहर है इन इंडिया और जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का भी दर्जा मिला है, तो यहाँ पर बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है जैसे कि आपको पता है, तो उन सभी की जगहों की मैं आपको शेयर कराऊंगा। आप में से कभी जयपुर आए तो उन जिस मेरे वीडियो को देख के आप लोग अच्छी तरह जयपुर की सैर कर सकें, आपके रस्तों से जो रस्ते हैं जयपुर की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, सुंदर सड़कें, उन सड़कों से भी परिचय करवाऊंगा। फिल्मेरा के कहने का मतलब ये है कि इतना अच्छा टॉपिक हाथ में लगा है, क्योंकि टॉपिक की इस तलाश में था मैं, आप लोगों के साथ मिलना तो बहुत चाहता हूँ किंतु बिना टॉपिक के बिना वो। और इसके बाद में एक चीज़ और हकीकत आपको नेक्स्ट वीडियो में, उससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तब आप भी सोचेंगे कि ऐसा होता है। उसके बाद के वीडियो में आपको एक बर्ड्स का ही संबंधित मैं वीडियो डालूंगा, बर्ड्स की वीडियो मैं रेगुलर डालता रहूंगा जो भी मेरे पास होगा, जस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। और हाँ, एक कुछ दिन पहले मैंने दानिश भाई को क्या कहते हैं बजीज दिए थे मैंने, है ना, और उसके बदले में मेरे को लबड़ लेना है, तो मेरे लबड़ की फैमिली में एक बर्ड्स और ऐड हो जाएगा, तो उसकी भी रिपोर्ट उसको आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। कुल मिला के कहने का मतलब है आप लोगों का अच्छा अटेंडेंट करने की कोशिश करूँगा, हाँ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अगर आप सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मुझे भी काम करने में मज़ा आएगा। और आप सपोर्ट कैसे बनाएंगे, एक लाइक और शेयर, साथ में पास नीचे आपका एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके पास में एक घंटी का आइकन है, पहले लाल कलर के सब्सक्राइब को बटन दबाइए, फिर घंटी के आइकन को दबाइए, फिर ऑल पे उसको सेट कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों को वो मिल जाए, है कि नहीं, करेंगे ना, मेहनत तौर तो करते हैं ना, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ही मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं तो मेहनत के बदले इतना सा तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक। दोस्तों बड़े मज़े आ रहे हैं आज, बहुत दिनों बाद जब एक नया टॉपिक हाथ में आया है ना तो बड़ी काफ़ी एंटरटेंट हो रहा है। अभी मेरा शाम का टाइम है तो मैं अभी पौधों को पानी देने का ही टाइम होता है इस वक्त, जैसे ये देख रहे हैं ना शावर, ये मल्टीपर्पज़ काम में आता है, मैंने लिया था पौधों को पानी देने के लिए और ये मल्टीपल में काम में आ रहा है, जैसे इससे मैं पौधों को पानी भी देता हूँ, इसमें कई मोड है, जैसे शावर मोड है, ये देखिए शावर मोड, इसके बाद ये मिस्ट मोड आ जाता है, ये बर्ड्स को नहलाने के काम में भी आता है, ये शॉकर मोड है, ये सबसे अच्छा काम में आता है, मैं जब बर्ड्स को गर्म नहलाता हूँ तो ये बहुत अच्छा काम में आता है, इससे मैं शाम के टाइम अभी जैसे पानी देता हूँ ना इसी वक्त ही मैं नहला देता हूँ। और इसके बाद ये फ्लैट मोड है, इसके बाद ये जेट है, ये जब जड़ों में पानी देना होता है ना पौधों के, तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि ये जो जेट वाला मोड है, जो ये जेट वाला मोड है, ये जेट डायरेक्ट जड़ों में पानी देने के काम आता है, और जब जड़ों को पानी देना होता है मेरे को तो इस जेट मोड से पानी देता हूँ।
अरे दोस्तों, आपको पता है कि ये जो मैंने गार्डनिंग लगा रखी है, इसका क्या फायदा मुझे मिल रहा है? एक तो शुद्ध ऑक्सीजन मेरे को मिल रहा है। जब भी मेरा मूड खराब होता है, मन खराब होता है, उदास होता है, तो यहाँ पर आके बैठ जाता हूँ अपने बर्ड्स के पास और इस गार्डन की को निहारता रहता हूँ, जिससे मुझे को काफी शांति मिलती है, काफी सुकून मिलता है। और साथ में इस गार्डन के कारण मेरे बर्ड्स को काफी फायदा होता है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है ये काफी मेंटेन होता है इसके कारण। जैसे आपको पता है, जितनी हरियाली होगी उतना टेम्परेचर मेंटेन होगा, उतनी गर्मी कम हो रहेगी, तो इसके कारण काफी फायदा हम मेरे बर्ड्स को भी हो जाता है, जिसके कारण वो अभी तक बिल्कुल स्वस्थ है और आगे जब भी जाके दिखाऊंगा मैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं, जैसे आप ये सामने देख रहे हैं ना पर्दा लगा हुआ, ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ, ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा जो देखिए, धूप बिल्कुल सीधी पिंजरे पे गिरती है और इनको काफ़ी तकलीफ हो रही थी, तो मैंने पूरा कवर कर दिया इसको, ऊपर से भी कवर कर दिया, ये देखिए ऊपर से भी कवर कर दिया मैंने, जिससे यहाँ काफ़ी छाया बनी हुई है और जितना हो सके इनको मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि अपने बर्ड्स के लिए गार्डन वगैरह का कुछ पेड़ों की व्यवस्था रखिए, जिससे उनको अच्छा भी लगे और थोड़ी गर्मी कम रहे, है ना। तो चलिए दोस्तों, एक बार अपने सेटअप की भी मैं विजिट करा देता हूँ, अपने बर्ड्स से आप लोगों को मिलवा देता हूँ। ये देखिए, सब आराम से बैठे हुए हैं, थोड़ी गर्मी है, थोड़ी बहुत हजन हाँप रहे हैं और इनका अब नहाने का टाइम हो गया। जैसा कि मैंने दिखाया है कि अभी पौधों को पानी देने के बाद मैं इनको भी नहलाने वाला हूँ और नहाने का वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा, किंतु आगे इस वीडियो में नहीं। और अब मैं अपने लवबर्ड्स से भी मुलाकात करवा देता हूँ आपकी। ये है लवबर्ड्स, देख रहे हैं वो सामने ऑफलाइन है, रोजी का लगभग सारे तरह के एक बर्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। मोह आ चुका है, रोजी ग्रीन है, रोजी है, ऑफलाइन है, लुटीनो है, मोह है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लगा ना आप लोगों को? आयशाबाश, क्या बात है, क्या बात है, फाइट कर रहे हैं। चलिए ठीक है ना। वैसे तो और भी बहुत कुछ है, किंतु पहले बताइए कि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया नहीं किया? अभी तक नहीं किया? अच्छा, कर दिया। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता, किंतु मेरा काफी फायदा हो जाता है, नहीं हमारा एक मोटिवेशन बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। कोई बात नहीं, तो और आज की वीडियो में इतने से ज्यादा मैं कुछ बात लोगों से नहीं बताऊंगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों के साथ, और आगे की बातचीत हम आगे की अगली वीडियो में करेंगे। तब तक सेफ रहें और उससे भी ज़्यादा स्वस्थ रहें, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए ध्यान रखें। ओके, जय हिंद।